खबर विकास नगर से। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के पदाधिकारी पहुंचे अपनी जमीन का नाप जोख करने डकरानी गांव। शक्ति नहर किनारे जल विद्युत लिमिटेड की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे को लेकर जहां उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दे रखे हैं, वहीं आज जल विद्युत निगम लिमिटेड की टीम क्षेत्रीय पटवारियों के साथ अपनी जमीन की नाप जोख करने के लिए मौके पर डगरानी गांव पहुंचे। वहीं लगभग 50 मीटर तक उन्होंने लाल निशान लगाए, जिसकी जद में लोगों के मकान ही आ रहे हैं और लोगों की जमीन जा रही है। लोगों का कहना है कि उनकी जमीन जा रही है, जबकि पहले पटवारी आए तो उनकी इतनी जमीन नहीं जा रही थी, अब आगे तक निशान लगाए जा रहे हैं। विकास नगर से लोक जनयुक्त संवाददाता अनिल दुबे की रिपोर्ट। जमीन से लेकर और जो है विधानसभा की संस्कृति तो क्या लगता है कि ये लड़ाई लड़ी जाएगी या वो लोग बेघर होंगे? देखिए, इससे पहले भी जो हल्द्वानी के वन फूलपुरा में जो प्रकरण हुआ है वो आप सबने देखा है। कांग्रेस ने पहले दिन से उनकी लड़ाई लड़ी है और न्यायालय ने जो है अपना जो निर्णय दिया वो उन लोगों के पक्ष में दिया। तो सरकार तो हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, उन लोगों के साथ खड़ी है जो इस सरकार उन लोगों को दबाने का प्रयास करे, उनको उजाड़ने का प्रयास करे। हम लोग बिल्कुल नहीं, हमारे पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री जो है नवप्रभात जी, उन्होंने इतना बड़ा अभी वो किया और इस पर हम जल्दी इस पर आंदोलन करने वाले हैं। अभी सरकार अगर तब भी नहीं चेती, हमने कहा ना हम सड़क से लेकर सदन हो कोर्ट हो, हम बिल्कुल हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जहाँ से उन लोगों को न्याय मिल सके। देखिए, राज्यपाल माननीय राज्यपाल जी का एक संवैधानिक पद है, उनका भी भाषण एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद जो सरकार का महिमा मंडन उन्होंने किया है तो मुझे नहीं लगता कि वो इस पद पे रहते हुए उनको ये शोभा देता है। गवर्नर किसी भी सरकार के खिलाफ उनकी वाहवाही नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से प्रेस में उन्होंने सरकार की वाहवाही करी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने आप में सही नहीं है। एक संवैधानिक पद है और संविधान की मर्यादा रखनी चाहिए। खबर अच्छी लगी हो तो लोक जनयुक्त चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।